बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त कनिष्का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक और मजेदार वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टेशनरी आइटम नेम्स। तो आइए शुरू करते हैं। पेन, पेन को हिंदी में कलम कहते हैं। क्विल पेन, क्विल पेन को हिंदी में पंख की कलम कहते हैं। गम, गम को हिंदी में गोंद कहते हैं। पेपर, पेपर को हिंदी में कागज कहते हैं। इंक, इंक को हिंदी में स्याही कहते हैं। पेंसिल, पेंसिल को हिंदी में पेंसिल ही कहते हैं। इरेजर, इरेजर को हिंदी में रबड़ कहते हैं। पेंसिल शार्पनर, पेंसिल शार्पनर को हिंदी में पेंसिल शार्पनर ही कहते हैं। क्लिप, क्लिप को हिंदी में चिमटी कहते हैं। पेपरवेट, पेपरवेट को हिंदी में कागज दाब कहते हैं। कॉल बेल, कॉल बेल को हिंदी में पुकारने की घंटी कहते हैं। फाइल, फाइल को हिंदी में फाइल ही कहते हैं। राइटिंग पैड, राइटिंग पैड को हिंदी में लेखन पत्र कहते हैं। रजिस्टर, रजिस्टर को हिंदी में रजिस्टर ही कहते हैं। इंक पैड, इंक पैड को हिंदी में स्याही का गद्दा कहते हैं। स्टैम्प, स्टैम्प को हिंदी में मोहर कहते हैं। ड्राइंग पेन, ड्राइंग पेन को हिंदी में रेखन पेन कहते हैं। ग्लू, ग्लू को हिंदी में सरेस कहते हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी को हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। डिवाइडर, डिवाइडर को हिंदी में प्रकार कहते हैं। पंचिंग मशीन, पंचिंग मशीन को हिंदी में छेदनी कहते हैं। स्केल, स्केल को हिंदी में मापक कहते हैं। स्टैपलर, स्टैपलर को हिंदी में स्टैपलर ही कहते हैं। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को हिंदी में अखबार या समाचार पत्र कहते हैं। डेली पेपर, डेली पेपर को हिंदी में दैनिक पत्र कहते हैं। मंथली मैगजीन, मंथली मैगजीन को हिंदी में मासिक पत्रिका कहते हैं। इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड को हिंदी में निमंत्रण पत्र कहते हैं। एनवेलप, एनवेलप को हिंदी में लिफाफा कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो ये थे स्टेशनरी आइटम नेम्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। आप इनमें से कौन से स्टेशनरी आइटम्स यूज करते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी मजेदार वीडियो आपसे छूट ना जाए। बाय बाय बच्चों।